हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर निकला नहीं निकला? फिफ्टी फोर का, हाँ फर्स्ट है भाई, जिसमें वॉल्यूम चेंज का इफेक्ट नहीं आ रहा, डेल्टा एन जी जीरो, हाँ है ना। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कौन सा अफेक्ट नहीं करेगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना गाइस, क्वेश्चन को अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आंसर गलत दोगे। इक्विलिब्रियम की बात नहीं करी गई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करी गई है, डी होगा, नहीं तो तुम कहीं ना कहीं सी को सोच रहे होते। दे आर आस्किंग द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तुम्हारा किससे चेंज नहीं होगा बेटा, चेंज इन प्रेशर विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, किसी में भी अफेक्ट नहीं करता भाई, प्रेशर भी अफेक्ट करेगा, इसलिए मैं कह रहा था कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, किसी भी रिएक्शन के लिए प्रेशर इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो 55 का आंसर क्या है बच्चों? डी, गुड। 56 पे आओ गाइस, केपी ग्रेटर देन केसी। अब तुम्हें यहाँ पे याद होगा बच्चों, मैंने बताया था यहाँ पे डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या है गाइस, केपी ग्रेटर देन केसी में डेल्टा एनजी क्या होता है? पॉजिटिव। तो मुझे बताओ पॉजिटिव में फॉरवर्ड रिएक्शन, डेल्टा एनजी मतलब डेल्टा एनजी इज पॉजिटिव इन फॉरवर्ड रिएक्शन, तो मुझे बताओ लो प्रेशर फेवर करेगा, हाई प्रेशर फेवर करेगा, या लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर? हाँ, अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव है मतलब प्रोडक्ट में मोल्स ज्यादा है गैस के, रिएक्टेंट में मोल्स कम है गैस के, गुड। लो प्रेशर है, प्रेशर बढ़ाने के लिए अगर तुम प्रेशर कम कर दोगे, इफ यू डिक्रीज द प्रेशर टू इंक्रीज द प्रेशर, क्या होगा बच्चों? तुम्हारा मोल्स बढ़ेंगे, हाँ है ना। तुमने प्रेशर कम कर दिया, टू इंक्रीज द प्रेशर वो उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में मोल्स बढ़ रहे हैं, और हमें बताया मोल्स आर मोर इन प्रॉड साइड देन ऑन द रिएक्टेंट साइड, हाँ है ना बच्चों, क्लियर है गाइस, गुड। और तुम्हारा टेम्परेचर हमें पता ही नहीं, जब एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, हाउ कैन वी डिसाइड ऑन टेम्परेचर गाइस, उसके लिए वी हैव टू बी स्पेसिफाइड द रिएक्शन इज एंडो या एक्सो बच। 56 हो गया, ग्रेट। 57 गाइस बताओ मुझे, 57 पे आ जाओ, भैया हमारी वॉल्यूम बढ़ गई बेसिकली, तो वो हमारा मोल बढ़ाना चाहेगा, यस। 57 का आंसर इज गोइंग टू बी ए। 58 पे आ जाओ बच्चों, 58 में ना एक बार रिएक्शन सोचो गाइस, बड़ा अच्छा फील आएगी, रिएक्शन सोचो 58 में रिएक्शन क्या है? S2 giving 2H, very nice। अब तुम्हें दोनों चीजें पता है गाइस, यहाँ पे तुम्हें पता है डेल्टा एनजी क्या है, मतलब प्रोडक्ट में मोल ज्यादा है गैस के या रिएक्टेंट में, बताओ गाइस, प्रोडक्ट में, वेरी नाइस, क्योंकि एक मोल S2 से दो मोल H एटम्स बन रहे हैं, और ये रिएक्शन एंड होगी एक्सो होगी, एंड होगी, यू विल हैव टू सप्लाई एनर्जी। तो गाइस अब मुझे बताओ किसमें मैक्सिमम यील्ड ऑफ हाइड्रोजन एटम आएगा, डेल्टा इज पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन और टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, और डेल्टा एनजी पॉजिटिव है, वेरी गुड, लो प्रेशर करोगे तो तुम्हारा प्रेशर बढ़ाने के चक्कर में वो मोल्स बढ़ाना चाहेगा, मोल्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो आंसर क्या हो गया गाइस? ए। 59 पे आ जाओ बच्चों, 59 पे आओ और बताओ आंसर। टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन फॉरवर्ड चली गई, मतलब किस टाइप की रिएक्शन है? एंडो एक्सो? एंडो, गुड, यू हैव गॉट योर आंसर। 60 पे आ जाओ बच्चों,
गाइस बोलो भाई, अमाउंट पूछा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात नहीं करी, अमाउंट की बात करिए, किस किस पे डिपेंड करता है बच्चों? हाँ, ए दोनों पे डिपेंड करेगा अमाउंट। तो अमाउंट तो तुम्हारा प्रेशर चेंज करोगे तो तुम्हारी अमाउंट, रिलेटिव अमाउंट चेंज नहीं होगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी तो तुम्हारा अमाउंट भी चेंज होगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। तो इट इज ए। 61 बच्चों, मुझे ये बताओ काम की चीज प्लस हीट का मतलब क्या है? कि तुम्हारी रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक है। प्लस हीट का मतलब है हीट इज बीइंग रिलीज्ड। तो अब मुझे बताओ बच्चों आंसर क्या होगा? इक्विलिब्रियम कौन सा क्वेश्चन पढ़ने लगे बेटा? हाँ शिफ्ट होता गाइस, है। 61 बताओ आंसर। एडिशन ऑफ ओ2 गुड, अभी 62 पे आ जाओ बच्चों। ये रिएक्शन भी तुम्हारी एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर भी बढ़ाने पे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट। गुड, 63 पे आ जाओ बच्चों। नहीं हाँ बेटा, वेरी गुड। अरे 63 पढ़ना है, 63 तो पढ़ रहे होगे, हाँ तो डी एफ सी एम बी 63 का बी तो नहीं है बेटा। एक्चुअली रिएक्शन तो देख लो, फॉर्मेशन ऑफ SO3, हम कहेंगे SO3 की फॉर्मेशन फ्रॉम SO2 एंड दिस इज अ रिएक्शन गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? डीकंपोजिशन होता डिग्री अरे यार डिकम्पोजिशन कहाँ से आ गया? डिकम्पोजिशन तो तुम्हारा डेल्टा एच के बारे में बता रहा होता है, डेल्टा एच की तो उनने, हाँ नहीं मैं मतलब बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब ये रिएक्शन तुम्हारी एक्सोथर्मिक है, बैकवर्ड एंडोथर्मिक है, हाँ तो उसके लिए डिग्री डिक्रीज डिक्रीज इन प्रेशर बोल रहे हो, टेम्परेचर बोल रहे हो, होगा। प्रेशर है तो तुम फिर एंथैल्पी चेंज की क्यों बात कर रहे हो? तुम तो मोड ऑफ गैस की बात कर रहे होगे ना बेटा। मैं कह रहा हूँ SO3 गिविंग SO2 का शो, हाँ ये बैकवर्ड रिएक्शन के, हाँ हाँ तो उसमें कह रहा हूँ प्रेशर इंक्रीज है। हम एक मिनट रुको, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? SO3 का फॉर्मेशन तुम कह रहे हो बैकवर्ड रिएक्शन में अगर जाना है तो प्रेशर, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन के लिए प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा ये पूछ रहे हो? प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा बेटा। प्रेशर डिक्रीज करोगे तो मोल्स ऑफ गैस बढ़ाने के लिए, प्रेशर बढ़ाने के लिए इट विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, जब वही पूछे थे। मुझे समझ नहीं आया कि जस्ट रिलेटेड क्वेश्चन से इतना डेविएट कैसे कर गए तुम। एक 63 का आंसर, इंक्रीज इन प्रेशर, हाँ बेटा इंक्रीज इन प्रेशर विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ SO3, क्योंकि वो प्रेशर डिक्रीज करने के लिए फॉरवर्ड जाएगा। हाँ है ना बच्चों? 64 पे आओ बच्चों। 64 64 पे आओ गाइस। डी है क्या? हाँ बेटा, कह रहा हूँ ना 64 बेटा, 64 64 64 पे आओ बच्चों। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में, मतलब ए सॉलिड एंड ए लिक्विड। अब मुझे ये बताओ बच्चों, हमें कुछ पूछा गया है एडिंग हीट, एडिंग हीट मतलब टेम्परेचर बढ़ाना। मुझे बताओ ये रिएक्शन जो मैंने अभी लिखी है ये एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है? एंडोथर्मिक होगी, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। अब इसमें तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन कहां जाएगी? क्या टेम्परेचर बढ़ा दिया, हीट सप्लाई करी, हमें लिखा है ना एडिंग हीट, तो तुम्हारा जब तुम हीट डालोगे तो तुम्हारी रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड बैक। हीट सप्लाई करने पे, टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी। फॉरवर्ड
फॉरवर्ड का मतलब तुम्हारा सॉलिड की अमाउंट कम होगी, लिक्विड की अमाउंट बढ़ेगी। आंसर क्या आने वाला है बच्चों? हाँ, इट इज गोइंग टू बी ए। हाँ या ना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? क्लियर है यहां तक? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 बताओ गाइस। 65 का गलत है बेटा बच्चों, प्लीज। डेल्टा इज नेगेटिव दे रखा है, हमें कह रखा है एनएससी बनना चाहिए, बनना चाहिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर क्या कर दो? लो। हाँ, ए। और प्रेशर बढ़ा दोगे, प्रेशर बढ़ा दोगे तो प्रेशर कम करने के चक्कर में मोल्स कम करना चाहेगा वो। मोल्स कम किस डायरेक्शन में हो रहे हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम हो रहे हैं। हाँ या ना बच्चों? तो 65 इज गोइंग टू बी ए। 66 पे आ जाओ गाइस। बच्चों जल्दी में आंसर देना इज नो, मतलब वो होता नहीं, गलत आंसर दिया, इट्स नो बिग डील। गलत का तो मतलब ये है फिर गलती है, जल्दी में आंसर दे दिया, उसके बाद कह रहे हो सर जल्दी में जल्द गलत क्वेश्चन पढ़ लिया। जैसे तुम पढ़ रहे हो हर बार निकल गया वो। हाँ, ओके। क्वेश्चन नंबर, अच्छा फाइन गाइस, 66 में शांति पढ़ो। पहले मुझे एक चीज बता दो, ये रिएक्शन में जो लिखा हुआ है डेल्टा इज पॉजिटिव है नेगेटिव है? शांति पढ़ना और फिर बताना। हाँ, हीट इवॉल्व हो रही है, वो प्लस का मतलब है प्लस दिस अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज, तो डेल्टा एच इज नेगेटिव, डेल्टा एच इज नेगेटिव। तो अब मुझे बताओ आंसर क्या होगा 66 का? ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67 पे आओ बच्चों, उन्हें लाएगो क्वेश्चन नंबर 67 पे आओ। बोलो, अरे धीरे, 67 पे आओ बच्चों। गाइस बताओ 67 में क्या करोगे? किल, ये जो तुम्हारा, बाद में बताता हूँ। हाँ, टू पंप आउट सीओडी इज गोइंग टू बी करेक्ट। बेटा हमें फॉरवर्ड भेजना है रिएक्शन, कितना समझ आ रहा है क्वेश्चन में? ये सी ए सी ओ थी सॉलिड रहा, सी ए ओ सॉलिड रहा, ये क्वेश्चन तो अभी हमने किया था कि दोनों सॉलिड हैं तो वो तो उनका तो उनके ऊपर इफेक्ट ऑफ, मतलब तुम उन्हें बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू हैव एनी इफेक्ट। हाँ या ना? क्लियर है यहाँ तक? तो और अगर तुम CO2 हटा दोगे बाहर तो CO2 बनाना चाहेगा वो, इट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और नॉट? गुड, so it's going to be D. 68 पे आते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 68 बताओ गाइस। गाइस ऑप्शन को धीरे धीरे सोच के करते हैं, ये नहीं करते कि फटाफट आंसर देना है, लाओ जी बोल देते हैं। टेक योर टाइम, अगर ये जेई में आ रहा होता तो तुम इसे 2 मिनट देते ना, तो 2 मिनट दे दो उस क्वेश्चन को और सही आंसर दो। टेक योर टाइम एंड गिव मी द आंसर। बेटा सी में तो तुम कुछ बता ही नहीं सकते क्योंकि एक तरफ PCl5 डाला है, एक तरफ PCl3 डाला है। इंक्रीजिंग, ये रिएक्शन कैसी है बेटा? एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक? ये तुम्हारी एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का टेम्परेचर बढ़ाते हो रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, तो बताओ आंसर क्या होगा? अभी तो मैंने यही तो बताया है बेटा कि तुम्हारी रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, उसमें अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड जाएगी। इट इज गोइंग टू बी डी। क्लोरीन डालोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड ही तो जाएगी। हाँ है ना गाइस? इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। और कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 73 पे आओ बच्चों, बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर।
क्वेश्चन नंबर 73 पे आओ और बताओ मुझे आंसर क्या होगा। बोलो गाइस, वेरी गुड। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, हाँ है ना। 74 पे आओ बच्चों, मैंने बताया था इसके क्वेश्चन मोर और लेस बहुत सिंपल है। 74 पे आओ, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और तो मोल ऑफ गैस तो देख ही सकते हो फॉरवर्ड एक्शन में कम हो रहे हैं। और बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं। हाँ हाँ मुझे पता है। अब मैं रुको, मैं एक्चुअली बोलने नहीं जा रहा रिकॉर्ड पे, हो जा रहा था खत्म फिर बोलता हूँ। हाँ बताओ बच्चों आंसर क्या होगा, शांति सोच के बताओ भाई। गाइस प्लीज ऑन अ सीरियस नोट बताओ मुझे आंसर क्या होगा। गाइस तुम्हारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर तुम्हें रिएक्शन को भेजना खाएं फॉरवर्ड भेजना है, लो टेम्परेचर कर दो। और अगर तुम प्रेशर के टर्म में सोचा जाए तो प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर कम करने के चक्कर में रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। It's going to be A. हो गया नहीं हो गया guys? It is A. अब आते हैं शीट टू पे बच्चों, ओपन शीट टू बच्चों। क्वेश्चन नंबर, होल्ड ऑन गाइज, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। अंडरस्टैंड करो गाइज प्लीज, हमें AgCl गिविंग Ag++Cl- माइनस दे रखा है। ए ऑप्शन को तो भूल जाओ फॉर द टाइमिंग। AgNO3 से क्या आ रहा है, AgNO3 हमने डाला है, AgNO3 से क्या आ रहा है, Ag+ आ रहा है। अब अगर Ag+ आएगा AgNO3 में, NO3- को भूल जाओ, दैट इज नॉट ऑफ आवर कंसर्न। ठीक है, NO3- आ गया, हमारा कंसर्न है Ag+ से और Cl- से, क्योंकि ऊपर की रिएक्शन में Ag+ है Cl- है। हाँ, अब Ag+ अगर डलेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। सी में तुम्हारा सीएल माइनस आ रहा है, अगेन बैकवर्ड जाएगा। डी में एजी प्लस भी आ रहा है, सीएल माइनस भी आ रहा है, हाँ है ना बच्चों, क्लियर ऑन? नहीं, डी में कोई इफेक्ट ही नहीं होगा क्योंकि वो सॉलिड है, सॉरी मेरा ध्यान नहीं गया, एजी सीएल सॉलिड दे रखा है तो उसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, हाँ है ना बच्चों। और अब तुम्हें तुमने देख लिया बी और सी में रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, बिकॉज यू हैव गॉट अ, जो तुम्हारा प्रोडक्ट है वो आ रहा है तुम्हारे पास। फिर से समझो गाइस, AgCl में लिख देता हूं, AgCl गिविंग Ag++ Cl-। जब तुमने AgNO3 डाला तो तुम्हारा ये बढ़ गया, रिएक्शन बैकवर्ड गई। जब तुमने NaCl डाला ये बढ़ गया, रिएक्शन बैकवर्ड गई। तुमने AgCl सॉलिड डाला, हमने कहा बाहर में जाए, सॉलिड है वो, ठीक है ना, कुछ नहीं हुआ। NaC क्या कर रहा होता है गाइज, NS3 तुम्हारा Ag+ के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा होता है। इट रिएक्ट्स विद Ag+ दिस NS3 रिएक्ट्स विद Ag+ टू गिव यू दिस। अब मुझे बताओ इस रिएक्शन में ओवरऑल हो क्या रहा है बच्चों, डू यू रियलाइज और नॉट कि तुम्हारा Ag+ की कंसेंट्रेशन कम हो रही है। Ag+ इज गेटिंग रिएक्टेड, वो कुछ और बना रहा है, तो Ag+ की कंसेंट्रेशन यहां पे कम हो गई। कम हो गई तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। क्लियर ऑन ऑट गाइस? और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यू हैव गॉट टू रिमेम्बर इट, कि Ag+ NS3 के साथ Ag NS3 twice plus ये कॉम्प्लेक्स बना रहा होता है, बेसिकली Ag+ की कंसेंट्रेशन डिक्रीजेस व्हेन NS3 इज एडेड, दैट इज हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। हाउ इट इज गोइंग टू बी, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था बच्चों? ओके 23 गाइज, रिएक्शन देखो, डिहाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, इसका डिहाइड्रेशन हो रहा होगा, रिएक्शन कौन सी हो रही होगी, सबसे ऊपर वाली रिएक्शन CSO4.5H2O गिविंग CSO4.3H2O+2H2O। क्वेश्चन में दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों, यू लुक एट दैट कर्व दैट इज गिवन टू अस, दैट ज़िगज़ैग कर्व, उसमें देखो कि तुम्हारे पास क्या दे रखा है बच्चों, रिएक्शन दिख गई। अब उसको कौन सी चीज अफेक्ट करेगी, पहले ये बताओ ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, फील के हिसाब से बताओ। यू आर रिमूविंग वाटर गाइस,
यू हैव टू सप्लाई हीट एंडोथर्मिक. तो मुझे बताओ हाई टेम्परेचर इसे फेवर करेगा नहीं करेगा, ऑप्शन में से बता रहा हूं मैं. बोलो गाइस, हाई टेम्परेचर फेवर करेगा नहीं करेगा? बोलो. एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हैं, रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है बैकवर्ड जाती है? बच्चे कहेंगे सर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा. एक काम करो, रिएक्शन लिखने दो मुझे. डू यू रियलाइज और नॉट बच्चों कि ये रिएक्शन तुम्हारी डेल्टा एच इसका पॉजिटिव है. अब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, हाँ है ना? फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया बच्चों? डिहाइड्रेशन फेवर कर रहा है, डिहाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट हो रहा है, नहीं हो रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? बोलो. गुड. तो तुम्हारा डेल्टा एच पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड आएगी, डिहाइड्रेशन इज फेवर्ड. अब लो ह्यूमिडिटी या प्रेशर इंक्रीज, ये दो और ऑप्शंस हैं. मुझे बताओ लो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? कि प्रेशर आउटसाइड इज लेस, प्रेशर हमने डिक्रीज कर दिया. अब प्रेशर डिक्रीज करोगे, प्रेशर ऑफ वाटर कम करोगे, लो ह्यूमिडिटी का मतलब है वाटर का कंटेंट कम कर देना. वाटर का कंटेंट कम करोगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी नहीं जाएगी? जाएगी. एंड बेसिकली इट विल फेवर डिहाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2. नहीं नहीं, नॉर्मल हम कह रहे हैं, ये कम कर दिया, ये हटा दिया, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी नहीं जाएगी? तो दैट ऑल्सो ट्रू. नहीं, मोल से रिलेट ना करो, नॉर्मल हम देखेंगे कि हमने ये एक चीज हटा दी, एंड दैट इज हाउ वी रिलेट. कन्वीनियंट है उस तरीके से सोचना. ठीक है बच्चों, और कौन सा क्वेश्चन था जो हमने छोड़ दिया था? 27 पे आओ बच्चों, पढ़ो उसे और बताओ. उसके बाद हम देख रहे होते हैं कि टेम्परेचर से तुम्हारी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड जाएगी टेम्परेचर चेंज पे. अब बच्चों देखो हमारा सीयूड रिएक्शन देखो गाइस. सॉरी, ये है, ये हमें दे रखा है बच्चों, हमें दे रखा है इसकी कंसेंट्रेशन x है, इसकी y है. ठीक है, हमने वॉल्यूम डबल कर दी, हमने वॉल्यूम क्या कर दी? डबल कर दी गाइस. वॉल्यूम डबल करने पे डू यू रियलाइज और नॉट की कंसेंट्रेशन तुम्हारी आधी हो जाएंगी, हाँ या ना? वॉल्यूम डबल करने पे पहली चीज कंसेंट्रेशन हाफ हो गई, फर्स्ट थिंग टू नोट. ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? बोलो गाइस. अब ये बताओ कंसेंट्रेशन डबल करने पे तुम्हारा एक तरीके से, सॉरी वॉल्यूम डबल करने पे तुम्हारी कंसेंट्रेशन आधी हो गई, हाँ है ना? अब वॉल्यूम डबल करने पे जब तुम्हारी कंसेंट्रेशन आधी हो गई, ये कंसेंट्रेशन बढ़ाना चाहेगा, किस डायरेक्शन में कंसेंट्रेशन बढ़ रही है? आयंस की, क्योंकि बाकी तो तुम्हारे सॉलिड है. मैं लिख देता हूँ, ये सॉलिड था, ये आयंस से एक्वस, ये आयंस से एक्वस, और ये था सॉलिड. लेफ्ट में आयन ज्यादा है, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी बच्चों? बैकवर्ड और नॉट? तुमने वॉल्यूम बढ़ाई है, वो नंबर ऑफ आयन बढ़ाना चाहेगा. गेटिंग द फील और नॉट गाइस? क्लियर है यहां तक? तो ये रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड में. बैकवर्ड का मतलब है कंसेंट्रेशन ऑफ एजी प्लस क्या हो जाएगी बच्चों? वाई बाय टू से बढ़ेगी. और कंसेंट्रेशन ऑफ सीयू टू प्लस क्या होगी? एक्स बाय टू से कम होगी. ये चीज समझ में आई या नहीं आई बच्चों? ये बताओ मुझे गाइस. देखो फिर से समझाता हूं मैं तुम्हें. हमारे पास एक्स एंड वाई वर द कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम. वॉल्यूम डबल करने पे पहली चीज हमारी कंसेंट्रेशन हाफ होगी. अब वॉल्यूम डबल करोगे तो तुम्हारी रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, हाँ या ना? मतलब तुम रियलाइज करोगे बाद में जो सॉलिड है उनकी एक्टिविटी वन होती है, आयंस को हम ले रहे होते हैं एक्सप्रेशन में. ठीक है, अब तुमने वॉल्यूम बढ़ा दी, वो नंबर ऑफ आयंस बढ़ाना चाह रहा है, आयंस बढ़ेंगे बैकवर्ड रिएक्शन में. यहाँ पे एक है, एक के बजाय यहाँ पे दो बन रहे हैं, तो रिएक्शन विल एक्चुअली गो इन योर बैकवर्ड डायरेक्शन.
बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो हम कहेंगे Ag plus की कंसंट्रेशन इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन y by 2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ CO2 plus इज गोइंग टू बी, आंसर क्या आएगा बच्चों, इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। समझ में आया नहीं आया बच्चों, क्लियर है या नहीं ये चीज? ओके गाइस, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था हमने? हाँ 34, अब तुमसे हो जाना चाहिए, पढ़ के देखो गाइस, ये उसी पे बेस है जो अभी हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 34 देखो और बताओ, मैंने एक्सप्रेशन लिख के दे दिया था, N2O4 का जो डिसोसिएशन है दैट इज N2O4 गिविंग 2NO2, तो वही तो मैंने अभी तुम्हें जो एक्सप्रेशन लिखवाया था ये वही है, इनिशियल मोल्स 1 दे, 1 माइनस अल्फा हुआ, ये 2 अल्फा हुआ, हमें वेपर डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर दे रखा है, क्वेश्चन में क्लियर नहीं है, वेपर डेंसिटी ऑफ N2O4 एट अ सर्टेन टेंपरेचर इज 30, तुम्हें लग रहा है N2O4 का वेपर डेंसिटी दे रखा है, N2O4 का वो क्यों देंगे, N2O4 का तो हम खुद नहीं निकाल सकते, मोल के मास बाय 2 कर दो, क्योंकि उन्होंने बाद में स्टेटमेंट में कह रखा है एट दिस टेम्परेचर फाइंड आउट द परसेंटेज डिसोसिएशन, मतलब N2O4 इज प्रेजेंट विद NO2, तो हमने सीधा फॉर्मूले में लगा दिया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसेस मिक्सचर इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2O4 बाय टोटल मोल्स व्हिच इज 1 प्लस अल्फा। समझ में आया या नहीं आया बच्चों, जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें अभी करवाया था थोड़ी देर पहले, हाँ पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, वेपर डेंसिटी 30 देखा था मैंने, सीधा मॉलिक्यूलर मास कर दिया 60। समझ में आया या नहीं आया बोलो गाइस, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था हमने? क्वेश्चन नंबर 38 बताओ बच्चों क्या होगा इसका आंसर, ये तुम्हारा वही हो गया जो AgCl वाले में हम AgNOCNaCl डाल रहे थे, बताओ बच्चों, इट इज गोइंग टू बी बी, 38 इज गोइंग टू बी बी, यहां तक किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट है तो बोलो, ओके 39 पे आओ बच्चों, गाइस हाँ बेटा, एडिंग F2 में तुम्हारा ClF3 की तरफ जाएगी रिएक्शन, हाँ या ना बच्चों, 40 पे आ जाओ गाइस, पढ़ो और बताओ मुझे, हाँ बच्चों बेसिकली ऑप्शन डी करेक्ट, 41 पे आ जाओ बच्चों, 41 में कई बार ऐसा लग रहा होता है कि क्वेश्चन तुम्हारा उसका है ही नहीं, ली चैडलर प्रिंसिपल का, सोचो और बताओ बच्चों आंसर क्या होगा 41 का, हाँ जल्दी कर दी बेटा, तुमने क्या लिया, टेम्परेचर बेटा, ये रिएक्शन तुम्हारी एक्सोथर्मिक है, तो अब बताओ मुझे आंसर क्या हुआ, प्रेशर ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्रेशर कम होना चाहिए, प्रेशर कम होगा तो तुम्हारा, सॉरी प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, करेक्ट आंसर बताओ, प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और तुम्हारा टेम्परेचर, हाँ वेरी नाइस, इट्स गोइंग टू बी सी, प्रेशर ज्यादा होना चाहिए टेम्परेचर कम होना चाहिए, हाँ है ना बच्चों, क्लियर है गाइस, गुड इट इज ऑप्शन सी, 42 पे आ जाओ बच्चों, अभी हमने किया था,
हाँ बेटा क्या कह रहे हो? फोर्टी टू का ना बी है क्यों भाई? प्रेशर बढ़ाने पे, प्रेशर बढ़ाने पे तुम्हें याद होगा वॉल्यूम कम हो गई, वो अपनी वॉल्यूम कम करने चाह रहा है, जहां पे आइस और वाटर दोनों था वहां पे सिर्फ वाटर है। इट इज गोइंग टू बी सी। क्वेश्चन नंबर 44 बच्चों बताओ। फोर्टी फोर करो बच्चों। इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पे तुम्हारे मोल्स ऑफ गैस बढ़ रहे हैं। मल्टीपल करेक्ट है गाइस। गुड। 45 पे आ जाओ बच्चों। गैस की सोलिबिलिटी इन लिक्विड की बात कर रहे हैं हम, प्रेशर और टेम्परेचर पे हाउ डज इट डिपेंड? बच्चों प्रॉब्लम तुम्हें ये आ रही होगी कि अभी तुम्हें याद नहीं है ये चीजें, इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम कि हाँ यार हमने क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, तो वो दिक्कत रहती है, कोई बात नहीं। इसलिए आई एम एक्सपेक्टिंग के बच्चे टाइम लेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग आंसर डायरेक्टली, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर तुम्हारी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, एंड ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। गुड, तो योर आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाओ। अब गाइस ये क्वेश्चन एक्चुअली तो क्या आने के इक्विलिब्रियम का है, बट आई थिंक यू कैन डू इट। HCl डाला हमने, यार HCl क्या करेगा? जैसे तुमने अभी देखा था AgCl में Ag+ और Cl- में NaCl डाल दिया था हमने, तो वी आर लुकिंग एट द Cl- आयन जो NaCl से आ रहा है। HCl से क्या आएगा बच्चों? H+ आयन। अब मुझे बताओ H+ आयन डालने पे क्या होने वाला है, बताओ गाइस। इस रिएक्शन में H2S giving H plus plus HS minus, इसमें अगर तुम H plus आयन और डाल दो HCl की फॉर्म में, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? H2S giving H plus plus HS minus में तुमने HCl डाल दिया, HCl डाल दिया मतलब H plus आयन डाल दिया, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड जाएगी? बैकवर्ड जाएगी। अब बैकवर्ड जाएगी तो मुझे बताओ कि तुम्हारा इन चारों में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? हाँ क्या कहा बेटा? हाइड्रोजन अनडिसोसिएटेड हाइड्रोजन सल्फाइड जो डिसोसिएट नहीं हुई, एच टू एस की बात करी गई है, इट इज गोइंग टू बी डी। 48 पे आ जाओ बच्चों। गौण क्वेश्चन नंबर 48। कौन सा एंडोथर्मिक है कौन सा एक्सोथर्मिक है? भाई जब तुम्हारा कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, तो वो एंडोथर्मिक है। प्रोडक्ट की एनर्जी कम है रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, तो एक्सोथर्मिक है। तो थिंक एंड टेल मी द आंसर। I'm waiting. It is B. नहीं, 48 की बात करें ना, इट इज गलत है बेटा तुम्हारा, इट इज ए। ऑब्वियसली बात है गाइज, ए से बी जा रहे हैं, तुम्हारी एनर्जी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, तो तुम्हें हीट देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी? इट इज गोइंग टू बी एंडोथर्मिक। सिमिलरली सी से डी इज गोइंग टू बी एंडोथर्मिक।
बी से सी इज गोइंग टू बी एक्सोथर्मिक, एनर्जी कम हो रही है, हाँ या ना? 49 पे आ जाओ बच्चों। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम की बात करिए, एक नॉर्मल मेटल की बात करी गई है यहां पे, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा इट इज जस्ट लाइक तुम्हारा सल्फर सॉलिड एंड सल्फर लिक्विड बच्चों उसकी तरह है। हाँ बेटा, हाँ तो वन सेकेंड, हॉल्ड ऑन गाइस। 49 समझ आया था नहीं आया था बच्चों? गाइस जो 49 को एक चीज समझाया था मैं, इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट, ए यू सॉलिड एंड ए यू लिक्विड दे रखा है हमें। गाइस का डेल्टा एच क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव। अब हमें फेवर करवाना है ये, मतलब हम टेम्परेचर क्या करेंगे बच्चों? बढ़ाएंगे। और प्रेशर, गाइस हमें पता है प्रेशर अगर तुम बढ़ाते हो तो तुम्हारा रिएक्शन नॉर्मली कहां जा रही होती है बच्चों? जहां पे वॉल्यूम कम हो रही है, मतलब इट गोज टुवर्ड्स एयू सॉलिड। ये वाटर वाला केस नहीं है, एक्सेप्शन, जहां पे तुम्हारा लिक्विड की वॉल्यूम कम है एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो गाइस हमें क्या चाहिए? टेम्परेचर हाई चाहिए, प्रेशर लो चाहिए। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो 49 का आंसर तुम्हारा क्या आ गया? सी। 50 पे आ जाओ गाइस, 50 आसानी से हो जाएगा, एक एक करके बताते आओ ऑप्शन। ए के बारे में बताओ बच्चों क्या कहना है, बोलो गाइस।